हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। ये एंजल पीछे से वहाँ से देख रही है। और आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ जन्माष्टमी का सामान, भगवान जी का और कान्हा जी का, और दूसरे कान्हा जी का भी, दोनों कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए, और मेरे चैनल, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, सब्सक्राइब कर दिया करिए जब न्यू है। ये है, अच्छा ये हैं जो कान्हा जी हुए हैं उनके लिए है। तो ये ड्रेस मुझे ना बहुत अच्छी लगी। इस ड्रेस के साथ पूरा ना सेट मिला हुआ है। एक तो ये बांसुरी है इसके साथ, और ये मुकुट है जिसमें मोर पंख लगा है, बहुत ही प्यारा सा मुकुट है ये। और इसके साथ पट्टा है जो कमर में बांधने वाला होता है, ये है। और ये है इसका, इसकी धोती है ये वाली येलो कलर की। और ये है कुर्ता, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है ये, बहुत ही प्यारी सी ये की कुर्ता है। तो हम अपने कान्हा जी को कान्हा जी बनाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन, क्योंकि मेरा ना बार बार जाना मार्केट हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं ना गई थी कपड़े लेने कान्हा जी के, उसके रक्षाबंधन की, कल रक्षाबंधन है यानी, तो 12 तारीख को। और इसलिए मैं जन्माष्टमी का भी लेती आई, क्योंकि जन्माष्टमी 19 की है तो बार बार जाना हो नहीं सकता। और ये कलर लेकर आई, तीन फैब्रिक कलर है ना, एक ब्लू लेकर आई हूँ, एक वाइट है और एक ना रेड है। इससे हम अपने कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे, जब श्रृंगार कर देंगे, राधा कृष्ण जी का श्रृंगार करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि कैसा श्रृंगार हुआ। एक ये वैजयंती माला लाए हैं हम अपने का, ओरिजिनल वैजयंती माला है, तो ये कान्हा जी के लिए एक वैजयंती माला। और ये माता रानी की चुन्नी है, माता रानी की। और हाँ, ऐसी मैं दो चुन्नी लाई हूँ, एक दुर्गा जी की लाई हूँ और एक संतोषी माँ की, ये रेड कलर की। और चार ऐसी येलो कलर की, ये शिव परिवार जी के लिए और ये देवी जी के लिए हैं चारों। तो ये मैं चेंज करूँगी किस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये है, ये श्याम बाबा की तस्वीर है इसके लिए, और ये राम दरबार उनके लिए लेकर आई हूँ एक चुन्नी। और अपने कान्हा जी की तीन ड्रेस लेकर आई हूँ, एक तो ये पहना दूँगी मैं कल राखी पे, ग्रीन कलर की है, कॉटन की है ये, क्योंकि कॉटन की ड्रेस नहीं है। हाँ, आ रही आ रही। तो एक ये ग्रीन कलर की लेकर आई हूँ, और एक रेड कलर की ये मैं जन्माष्टमी पे पहनाऊँगी, और एक मैं पहनाऊँगी छठी वाले दिन। तो एक ये लेकर आई हूँ, तो तीन मैं कान्हा जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। ये श्याम बाबा की एक ड्रेस है, ये कैमरे में कलर पता नहीं क्यों वैसा नहीं आ रहा है जैसा कलर है, बहुत प्यारा कलर है ग्रीन कलर की। ये मेरे साईं बाबा की ड्रेस है, ये ना पिंक कलर की, ये मेरे साईं बाबा की ड्रेस है। और ये मेरे हनुमान जी की ड्रेस है, ये हनुमान जी की ड्रेस है, हनुमान जी पहनेंगे ये, छोटे से हनुमान जी हैं। और एक ये कपड़ा लेकर आई हूँ बिछाने वाला, येलो कलर का, और ये इसमें गोटा लगा हुआ है साइड में। तो एक ये येलो कलर का मैं कपड़ा लेके आई हूँ। और कड़े दिखाती हूँ, ऐसी वाली ना ये माला है ना, ऐसी मैं लेकर आई हूँ चार माला, मुझे लगा कोई आ गया है, ऐसी चार माला लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी मालाएं इकट्ठी जाती हैं, आप हर फेस्टिवल पे जाहिर सी बात है माला वगैरह सब खरीदते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती हैं। और ये ना मुझे अपनी दुर्गा जी के लिए और हनुमान जी के लिए सबसे छोटी ज़ीरो साइज़ वाली आइस होती है ना, वो लेनी थी, तो ये भी मिल गई थी, बहुत छोटी वाली मिलती नहीं है, तो ये मैं श्रृंगार करूँगी तो फिर ये लगाऊँगी माता रानी को। इसके साथ चिपकाने वाला भी लेकर आ गई हूँ, बिना गोंद के तो चिपकेगा नहीं, तो ये चिपकाने वाला एक। और ये देखिए, ये कान्हा जी के कड़े हैं, बहुत प्यारे से कड़े हैं, कलरफुल है। तो एक जोड़ी कड़े लेकर आई हूँ, और ये कान के हैं उनके, बहुत ही प्यारे, देखो कहाँ ले जा रही हूँ, मोती के हैं, और इसमें बीच में रेड कलर का नग है। एक जोड़ी मैं कान के लेकर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जन्माष्टमी की, आगे जो भी छोटा मोटा अगर घटा होगा ना, और सॉरी, तो वो मैं तभी ले आऊँगी आसपास से,
तो ये सारा सामान मेरा मेन सामान आ गया है, जो मेन सामान था ना जो मुझे मोटा मोटा था, तो मैं इनके साथ जाके ले आई ताकि मुझे दिक्कत विक्कत ना हो, क्योंकि कान्हा के साथ ना बहुत दिक्कत होती है कि आप ना मार्केट में बहुत ज़्यादा देर तक बहुत टाइम तक नहीं रह सकते, या फिर कान्हा को लेके जाइए तो कान्हा है अभी छोटा सा, बहुत ही छोटा है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब हम उसको लेके जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है अभी उसको ले जाना ना बड़ा रिस्की है, थोड़ी सी उसकी ना गर्दन वर्दन रुकने लगे तब लेके जाएंगे, मतलब अभी तो 2 महीने का ही हुआ है, कम से कम 4 महीने का हो जाए तब मैं लेके जाया करूँगी इसे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आते हैं छोटे छोटे बच्चे लेके जब मार्केटिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, तो फिर मैं लेके उसको भी जाऊँगी। अभी क्या है दूध दूध की दिक्कत होती है, थोड़ा सा ऊपर का खाने लगेगा ना, जैसे सेरेलेक वगैरह खाने लगेगा, तो मैं उसको आराम से ले जा सकती हूँ, फिर कोई ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं सारा सामान अच्छे से रख दूँ, जब मैं अपने कान्हा को कान्हा जी बनाऊँगी ना, अपने कान्हा मतलब मेरे कान्हा, मेरे दोनों कान्हा हैं, उन्होंने ही मुझे कान्हा दिए हैं, तो मैं कान्हा जी को कान्हा बनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कितने मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं, जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन उनका श्रृंगार करूंगी, दोनों कान्हा जी का श्रृंगार करूंगी, फिर आप देखिएगा। और मैंने टिंटिन के लिए भी कुछ ऑर्डर किया है, क्योंकि उसको मैं राधा जी बनाऊंगी, तो वो भी ऑर्डर आने वाला है, उसके लिए मैंने लहंगा ऑर्डर किया है, किस कलर का कैसा लहंगा ऑर्डर किया है ये जब आएगा तब आप लोग देखिएगा। बहुत ही प्यारा लहंगा है जो मैंने टिंटिन के लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि उसको राधा बनाऊंगी और कान्हा को कान्हा जी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो आज के वीडियो में मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि जो मैंने शॉपिंग की है जन्माष्टमी की, और क्या कहते हैं उसकी तो आपने देख ली थी, जो मैंने राखी के कपड़े लेकर आई थी बच्चों के, तो वो तो आपने देख ही लिया था। तो और कान्हा के मैंने कपड़े इसलिए नहीं लिए थे, कान्हा के ने न्यू कपड़े बहुत सारे पड़े हुए, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैंने सिर्फ जन्माष्टमी के कपड़े उसके लिए, तो कान्हा के तो उसी में से कोई कपड़े पहना दूँगी। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।